हाई ट्रेडर्स गुड इवनिंग वेलकम टू मार्केट रिति चैनल महेश दिस साइड आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल सीरीज का वाई स्टॉक प्राइसेस मूव राइट आपने देखा होगा मार्केट में uh, कि हर एक स्टॉक का प्राइस कॉन्स्टेंटली मूव होता रहता है सो वॉट आर द रीजंस बिहाइंड इट विल जस्ट ट्राई टू एनालाइज फॉर द डे ओके सो टू क्विक पॉइंट्स बिफोर वी मूव फॉरवर्ड जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ थे

बाइंग लगाया है किसी और ने तीन हज़ार पर सेलिंग का ऑर्डर दिया है तो वो मैच हो जाएगा और वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा सो स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज इज जस्ट अ मार्केट प्लेस जैसे अमेजॉन है राइट अमेजॉन पर आप गुड्स खरीद सकते हो सो समन इज सेलिंग गुड्स एंड लाइक वी इन जनरल रिटेल पब्लिक इज बाइंग द गुड्स स्टॉक एक्सचेंज इज सेम राइट देन नेक्स्ट इज प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन आई पी सो हमने एक जर्नी देखा था हर एक कंपनी का कि एक कंपनी एक छोटे से स्टार्टअप से लेके मार्केट में पब्लिक कैसे बनता है मतलब आईपीओ लेके लाइक हाउ डज़ इट गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट्स राइट सो एक एंटायर जर्नी वी स्टडीड इन द फर्स्ट वीडियो सो जब एक कंपनी स्टार्टअप लेवल पे होता है छोटे लेवल पे तो uh, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट ही होती है सो दे आर नॉट लाइबल टू शेयर डिस्क्लोज लॉड ऑफ इंफॉर्मेशन बट वंस द कंपनी इज लिस्टेड इन पब्लिक डोमेन सो लीगली दे आर बाउंड टू यू नो शेयर लॉट मोर इन्फॉर्मेशन दैन वेन दे आर पब्लिक तो कंपनी में कुछ मेजर चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली आई मीन दे आर बाउंड टू कम्युनिकेट टू द वाइडर पब्लिक ओके सो दैट्स अ मेजर चेंज वैन अ कंपनी गोज फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक ओके अभी सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हाउ इट इम्पैक्ट्स द प्राइज ऑफ अ स्टॉक सो यहाँ पर मैंने कुछ सीनारियोज दिए है ओके सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फ्यू इवेंट्स क्योंकि ड्यूरिंग द डे और इवन ऑन वीक एंड वेन द मार्केट इज़ क्लोज काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं कंपनी के बारे में राइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग विप्रो की बात करते हैं सो so, विप्रो फॉर एग्जाम्पल फाइव फोर्टी पर ट्रेड ट्रेड कर रहा है नॉर्मली एंड सडनली देर इज़ अ इवेंट एक न्यूज़ आती है कि विप्रो का जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रिज़ाइन कर रहे हैं एंड दे आर ज्वाइनिंग अ कॉम्पिटिटर से इन्फोसिस ओके जस्ट फॉर एग्जाम्पल तो विप्रो का स्टॉक है इट विल टेक अ हेट राइट, बिकॉज अगर सीनियर मैनेजमेंट टीम में से लोग अगर रिज़ाइन कर रहे हैं सो इट्स नॉट अ गुड फॉर अ कंपनी तो सपोज एक ट्रेडर है ही थिंक्स की आर डेफिनेटली आई मीन द देर इज अ ट्रेवल इन द कंपनी वी शुड सेल सो ही स्टार्ट सेलिंग एंड एट द सेम टाइम समल्स ट्रेडर टू थिंग्स आर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ है आई I मीन mean, uh, से 540 से स्टॉक से 440 पे चला गया आई मीन इट्स अ ओवर रिएक्शन एंड कंपनी शुड बी एबल टू हायर न्यू मैनेजमेंट सून एंड थिंग्स विल बी स्मूदर सो इट्स अ चांस टू बाय द स्टॉक एट लोअर प्राइस राइट सो ट्रेडर टू हैज अ डिफरेंट व्यू ट्रेडर टू हैज़ अ बाइंग व्यू ट्रेडर वन हैज़ अ सेलिंग व्यू सो देर इज़ अपोजिट व्यू तो उससे एक बैलेंस बन जाता है एंड से स्टॉक से सेटल सैट फाइव हंड्रेड रुपीज़ मे बी लाइक ये फोर फिफ्टी का लो करके वापस 500 तक जम्प करता है बट द ओवरऑल इट्स नेगेटिव 540 से 500 तक आ गया ओके देर इज अ ड्रॉप नाउ आफ्टर फ्यू मंथ्स और डेज देर इज अ अनाउंसमेंट फ्रॉम विप्रो मैनेजमेंट दैट दे हैव हायर्ड अ स्ट्रांग टीम एट द सीनियर लेवल विच इज अ गुड फॉर एनी कंपनी राइट तो जो ट्रेडर वन है जो सेल करने वाला था वो बोलेगा यार ओके आई वांट टू सेल बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफी बढ़ गया है बट एट द सेम टाइम आई विल सेल एट अ हायर प्राइज नाउ बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट गए, तो ही स्टार्ट सेलिंग एट द हायर प्राइस वो पहले अगर सपोज 540 फोर्टी पे सेल कर रहा होगा वो बोलेगा अभी आई एम नॉट रेडी टू सेलेक्ट फाइव फोर्टी आई विल सेल एट फाइव सिक्सटी फॉर एग्जाम्पल ओके सो द सेलर्स विल डिमांड मोर प्राइस टू सेल दैट पर्टिकुलर स्टॉक बिकॉज देर इज अ गुड न्यूज अबाउट इट राइट एट द सेम टाइम ट्रेडर ट्रेडर टू फील्स की आर ठीक है इवन दो द ट्रेडर वन इज सेलिंग एट हायर प्राइस बट आई फील दैट द कंपनी का फ्यूचर और काफ़ी ब्राइट होगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्ट्रांग मैनेजमेंट और आई एम ओके टू पे फाइव सिक्सटी और इवन फाइव सिक्सटी फाइव फाइव सेवेंटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज फ्यूचर में बहुत वैल्यू देगा ये दिस कैन इवन गो टू सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड लेवल सो आई एम ओके टू एट दिस लेवल सो देर इज़ अ डिफरेंट व्यू बट द ओवरऑल द प्राइज इज पुस्ट टू हायर लेवल फाइव हंड्रेड से आप यहाँ पे देखोगे फाइव हंड्रेड से फाइव सेवेंटी चला गया ओके नाउ देर इज अ थर्ड इवेंट थर्ड इवेंट क्या होता है एक नासकॉम करके एक बॉडी है इंडस्ट्री बॉडी आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट तो आ, इसका काफ़ी डोमिनेंट इफेक्ट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में तो इनके काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल कॉन्फ्रेंसेस होते रहते तो दी सेक यर ओवरऑल आई टी इंडस्ट्री का व्यू निगेटिव है फॉर एंटायर वन और टू ईयर्स तो विप्रो का जो आई टी बिजनेस है डेफिनेटली दैट विल ऑल्सो टेक अ हिट सो ट्रेडर वन डेफिनेटली फील्स यार uh, ये विप्रो पे भी इम्पैक्ट करेगा बट ट्रेडर टू फील्स की विप्रो माइट बी एबल टू नेविगेट दिस बेटर दैन ऑदर कॉम्पिटिटर्स और इवन फील्स की बहुत ज़्यादा सेलिंग कर लिया लोगों ने सो so, फाइव सेवेंटी था सपोज फाइव हंड्रेड पर चला गया बट ट्रेडर टू फील्स ये बहुत uh, ज़्यादा पैनिक हो गया सो दे स्टार्ट बाइंग तो ये फाइव हंड्रेड से वापस फाइव थर्टी पर सेटल हो जाता है स्टॉक फाइव सेवेंटी से फाइव थर्टी पर राइट सो दिस इज हाउ द एंटायर प्राइजेस मूव फाइव फोर्टी से फाइव हंड्रेड गया वहाँ से फाइव सेवेंटी पे आया वहाँ से फाइव थर्टी पे चला गया डिपेंडिंग ऑन द इवेंट राइज सो दैट द फर्स्ट रीजन वाई स्टॉक प्राइजेस मूव द मेजर माइक्रो फंडामेंटल थिंग राइट सो कंपनी के बारे में इंडस्ट्री के बारे में या इवन ओवरऑल इकोनॉमिक के बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है सो ऑल दोज इवेंट्स इम्पैक्ट स्टॉक प्राइजेस प्राइजेस ऑफ स्टॉक राइट सो दैट्स वन सेकेंड इज स्टॉक लिक्विडिटी सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है रिलायंस है एंड दूसरा एक धनश्री Limited, है धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों पब्लिकली लिस्टेड स्टॉक्स है राइट अभी अगर किसी ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है जस्ट फॉर एग्जाम्पल या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो दी विल डेफिनेटली प्रेफर रिलायंस ओवर धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है बिकॉज इट्स रिलायंस इज अ वेल नोन स्टॉक वहाँ पर आप अगर एंट्री करते हो तो आपको लिक्विडिटी मिलेगा एग्जिट करने का लिक्विडिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक हज़ार स्टॉक्स बाय किया राइट right? और uh, आपको कुछ टाइम बाद प्रॉफिट में सेल करने हैं टेन परसेंट प्रॉफिट पे तो देयर विल बी सम बायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो यू आर नॉट श्योर अबाउट पेन स्टॉक लाइक धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड राइट सो यू डोंट नो वॉट विल हैपन हियर सो देर माइट बी सर्किट्स सो विल टॉक अबाउट सर्किट्स सो या स्टॉक लिक्विडिटी इज बेसिकली जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है दैट अट्रैक्ट्स मोर ट्रेडर्स जैसे कि uh, बहुत सारे होटल्स है बट एक पर्टिकुलर होटल में uh, जैसे डेली में एक uh, पंडारा रोड पे एक गुलाटी रेस्टोरेंट है सो दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट्स सो उसी के साइड में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं इवन uh, दो बाकी के रेस्टोरेंट्स में जगह है फिर वी पीपल डोंट गो देर दे वेट एट गुलाटीज सो वहाँ पर मतलब लाइन लगी रहती है बिकॉज दे नो मतलब यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है सो आई एम ओके टू वेट देयर फॉर हाफ एन आवर राइट सो दैट्स अ फेमस होटल सो वहाँ पर मोर लिक्विडिटी मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं सो या सो मोर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अट्रैक्ट मोर न्यू ट्रेडर्स और uh, जो टेक्निकल अनालिस है दैट वर्क बेटर ऑन लिक्विड स्टॉक जैसे सपोर्ट लेवल होता है रेजिस्टेंस लेवल होता है अग, अगर सपोर्ट लेवल है सो वी नीड मोर पीपल टू बाई इट फ्राम दैट सपोर्ट लेवल राइट ओनली देन द सपोर्ट विल एक्ट तो टिपिकली जो ट्रेडर्स है दे प्रेफर लिक्विड स्टॉक्स और वहाँ पर काफी मूवमेंट होती रहती है ड्यूरिंग द डे फॉर एग्जाम्पल इधानश्री एलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने यहाँ पे चार्ट निकाला था सो so, यहाँ पे मोस्टली सर्किट्स लगे हुए हैं ये पाँच मिनट का चार्ट है एक ट्रेड होता है दो ट्रेड होता है सो नो बडी ट्रेड्स ईयर आप वॉल्यूम देखोगे बहुत कम होता है यहाँ पे सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इलिक्विड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग पर्पज़ राइट वहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होती है सो दिस इज द नंबर टू रीजन स्टॉक लिक्विडिटी जैसे रिलायंस हमेशा दिन भर मूव होता रहेगा इवन दो नॉट मच बट वन और टू परसेंट ईयर एन दैर विल कीप मूविंग ओके नेक्स्ट इज प्राइस बैंड्स और प्राइस बैंड्स क्या है कि फॉर एग्जाम्पल किसी दिस इज अ अम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर एक स्टॉक का न्यूज़ आता है तो इफ़ द न्यूज़ इज एक्सट्रीम तो देर इज़ अ चांस दैट मार्केट माइट ओवर रिएक्ट एंड तो सो टू एंड इट माइट डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ वेल्थ ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल किसी एक एक्सपाइजर एक एक स्टॉक में पता चला कि बहुत कुछ फ्रॉड हुआ या इवन सम नेगेटिव न्यूज़ अबाउट इंडस्ट्री और अबाउट दैट कंपनी तो इट माइट फॉल लाइक टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट सडनली लॉट ऑफ वेल्थ माइट गेट वाइप्ड आउट राइट तो इसीलिए एन एस सी एन सेबी सो वट डू दे डू इज दे पुट कैप ऑन मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक इंडेक्स में भी होता है बट वो रेयरली हिट होता है क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स का एक्सट्रीम मूवमेंट जैसे कोरोना के टाइम पर देखा था बट जनरली वो हिट नहीं होता है तो लेस स्टिक टू द स्टॉक्स मूवमेंट ओके तो हर एक स्टॉक में अपर और लोअर सर्किट होता है फाइव परसेंट टेन परसेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक सो मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट डाउनलोड करी है एन के वेबसाइट से अभी आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग स्टॉक्स है और उसमें प्राइस बैंड क्या है तो फ़ाइव परसेंट अप एंड लो मतलब अगर सपोज सौ रुपये का स्टॉक है तो फाइव परसेंट लिमिट मतलब एक सौ पाँच वो मैक्सिमम जा सकता है ड्यूरिंग द डे और नाइन्टी फाइव मैक्मम जा सकता uh, मैक्सिमम गिर सकता है ड्यूरिंग द डे अगर वो सर्किट हिट होता है तो ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है वो पर्टिकुलर स्टॉक में राइट right? और ये uh, ये जो लिमिट्स है फाइव परसेंट लगाना है इस पर या टेन परसेंट लगाना है दीज आर डिसाइडेड बाय एस और एन एस सी रेगुलर बेसिस पे रिवाइज़ होते रहता है एंड टिपिकली uh, जो एफ एन ओ स्टॉक्स होते हैं उसमें टिपिकली uh, uh, ये लिमिट्स नहीं होता है राइट ओके सो ये लिमिट्स आर मोस्टली हैपन इन द पेनी स्टॉक्स बिकॉज पेनी स्टॉक्स में काफ़ी सारा मैनिपुलेशन भी हो सकता है सो सडनली देर इज़ अ हर्ड बाइंग एंड लोगों को ट्रैप किया जाता है दे आर नॉट एबल टू यू नो एग्जिट आउट ऑफ स्टॉक लोअर सर्किट सेट होते जाते हैं काफ़ी बार अपर सर्किट सेट होते जाते हैं सो टिपिकली इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच स्टॉक्स राइट जहाँ पे प्राइस बैंड सेट होते रहते हैं बिकॉज यूल गेट स्टार्ट देन ओके लास्ट पॉइंट फॉर द डे इज अभी हमने देखा कि प्राइजेस स्टॉक्स के अप एंड डाउन मूव होते रहते हैं एंड द मेजर द क्रैक्स आउट ऑफ इट इज़ कि ओके हमने कितना रिटर्न कमाया राइट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डेफ यू ऑल आर हियर टू मेक मनी of course we are here to learn but at the same time end outcome like we all love to make money okay so first is ek koi stock lete hain suppose 100 pe humne buy kiya aur sell 115 pe kiya and holding period was 2 years okay uh, so absolute return ये होगा कि uh, 115 सौ माइनस हंड्रेड और उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल 15 परसेंट का ग्रोथ है इसमें 100 so, से 115 हो गया मतलब 15 परसेंट और दो साल का ओके इज़ लाइक हाँ ठीक है विल बी लाइक ओके पंद्रह परसेंट हमने ग्रो किया बट uh, इसको हम लोग पर ईयर रेफरेंस कैसे लेंगे कि हर पहले ईयर में कैसे बढ़ा सेकंड ईयर में कैसे बढ़ा सो टिपिकली वॉट वी डू इज वी वी फाइंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सो बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट एनुअल सपोज एक स्टॉक हमने डेढ़ साल के लिए होल्ड किया एक स्टॉक हमने ढाई साल के लिए होल्ड किया और उसमें दोनों में पंद्रह पंद्रह परसेंट रिटर्न है बट हाउ डू वी कम्पेयर बोथ ऑफ दैम एट सेम लेवल राइट सो वी कम्पेयर बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तो उनका बेस सेम हो जाएगा कि एनुअल ग्रोथ रेट सी एच जी आर क्या है राइट right? अभी इसका एक फॉमूला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट पे अटेंशन सी एच जी आर इज फाइनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस एंड रेज टू वन अपॉन टी अभी टी इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स एंड माइनस वन तो इस केस में हमने क्या किया एक सौ पंद्रह डिवाइडेड बाय सौ एंड रेज टू वन अपॉन टू ये जो ई वन वन सेवन एंड माइनस वन तो वो आता है सेवन पॉइंट टू फोर परसेंट अगर इंडियन इन्फ्लेशन टिपिकली ईयरली सिक्स परसेंट है तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब इट्स नॉट ग्रेट रिटर्न राइट अगर छः परसेंट इन्फ्लेशन है तो रियल रिटर्न हो गया वन पॉइंट टू फोर परसेंट विच इज़ नॉट ग्रेट फॉर इक्विटी राइट इक्विटी में टिपिकली वी शुड एक्सपेक्ट अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट रिटर्न नहीं तो फिर मतलब एफ डी भी शायद दे सकता है आजकल नहीं देता बट पहले एफ डी भी देता था अराउंड सात आठ परसेंट सो विच इज़ नॉट ग्रेट सो या सो इट्स वेन एवे यू कैलकुलेट रिटर्न फॉर अ स्टॉक होल्डिंग प्लीज़ कैलकुलेट्स दिए जी आर तो वहाँ से एक बेस कॉमन हो जाएगा राइट right? सो दैट्स सेट फॉर द डे हमने देखा कि हाउ स्टॉक वाई स्टॉक प्राइजेस मूव जस्ट अ क्विक रिकैप बिफोर वी क्लोज स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बायर्स एंड सेलर एंड दे ट्रेड देर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बायर्स एंड सेलर आर लाइक पीपल एट द एंड ऑफ द डे राइट एंड दे हैव देर ओन पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड इज जब कंपनी पब्लिक जाती है मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उनके पास काफ़ी सारे लीगली दे आर लाइबल टू शेयर लॉट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दर कंपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स के इवेंट कैसे इम्पैक्ट करते हैं प्राइजेस को स्टॉक्स के हमने देखा हाउ स्टॉक लिक्विडिटी इफेक्ट्स मूवमेंट इन प्राइस जो वेल नोन स्टॉक है वहाँ पे मोर एंड मोर ट्रेडर्स आएंगे ट्रेड करने के लिए इंट्राडे के लिए एंड प्राइजेस विल कीप मूविंग वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी बेटर काम करता है हमने देखा प्राइस बैंड्स के बारे में प्राइस बैंड्स आर टिपिकली देयर टू अवॉइड एक्सट्रीम मूवमेंट्स हर एक स्टॉक्स में या फाइव परसेंट एंड टेन परसेंट डिपेंडिंग बैंड लगाया जाता है एंड इफ दैट सर्किट इज़ हिट अपर और लोअर सो ट्रेडिंग इज़ हॉल्टेड फॉर द डे राइट लास्टली हमने देखा कि प्राइस मूव जो है फाइनली वी आर हियर टू मेक मनी एंड हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न राइट एब्सोल्यूट रिटर्न होता है कि बाय सेल जो डिफरेंस है एक सौ पंद्रह माइनस सौ एंड डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो इट्स अ ओवरऑल रिटर्न राइट 15 परसेंट बट हमने देखा कि अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग होल्डिंग पीरियड हो सकता है जैसे हमने इन्फोसिस एक साल के लिए होल्ड किया विप्रो दो साल के लिए होल्ड किया तो हाउ डू वी कंपेयर द रिटर्न राइट तो वी डू दैट बाई कैलकुलेटिंग सी ए जी आर और सी ए जी आर कैसे कैलकुलेट करते वी विच सॉ दैट राइट सो दैट्स इट फॉर द डे कीप टून टू दिस चैनल एंड वी विल ब्रिंग इन मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अस फीडबैक लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सी यू अगैन वेरी सुन थैंक्स बाय टेक केयर